आज रूरू ने भी वैक्सीन लगवाई है, रूरू के पापा ने भी वैक्सीन लगवाई है, रूरू की दादी ने भी वैक्सीन लगवाई। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो अभी हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, मैं, मम्मी, छाया, प्रिया, ठीक है। और लगभग 9 बज रहे हैं, हमारा जो स्लॉट है वो 10 से 11 वाला है, पर हम सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी चले जाएँ, जिससे कि मम्मी ने सुना है कि जो पहले आ रहा है उसके पहले लग रही है। तो चलो फिर चलते, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा दूर है नहीं, और वैसे भी लॉकडाउन है तो कहीं भीड़ तो है ही नहीं, ठीक है। तो चल रहे हैं, बाल थोड़े ऐसे हो रहे थे अभी एकदम से, वो उठे हुए थे मुर्गे से, क्योंकि बीच बीच में रह गए साइड से, तो छाया प्रिया ने काटी दिए, तो मैंने कहा चलो कैप पहन लेते हैं, ऐसे चलते हैं और आके नहाएंगे, क्योंकि फिर वैसे भी कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और आंखों में हल्की हल्की नींद है, पर कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो चलो, लेट मत कराओ यार, तुम तो ऐसे सच सच के जा रहे हो, पता नहीं कहाँ शादी में जा रहे हो क्या मम्मी? हाँ चलो जल्दी, ऐसे मम्मी तो ऐसे सच के जा रही हो, शादी में जा रही हो। हमारे घर वाले कुछ ज्यादा महान है, मम्मी छाया प्रिया अपना आधार कार्ड घर पर रखी गई हैं, बिना आधार कार्ड के तो वैक्सीन लगेगी ही नहीं। तो अभी दोबारा से हम वापस आए आधे रास्ते में से आधार कार्ड लेने के लिए, अब दोबारा जाएंगे, ठीक है। डबल मास्किंग कर लिया आज, डबल मास्किंग जरूरी है भाई, ग्लव्स भी ले लिए जिससे किसी चीज़ को टच करें तो, क्योंकि मैं ही टच करूँगा जाते साइन में जो कुछ करूँगा, तो फिर मैं पहन के जाऊँगा। बाकी देखते हैं वैक्सीन का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो जो कुछ भी होगा, अगर वहाँ रिकॉर्ड करने देंगे तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो फिर आके आपको बताऊंगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा सब कुछ आपको शेयर करूंगा आके कि कैसा रहता है क्या रहता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी कुछ कि वहाँ क्या होगा। पहुंच गए हॉस्पिटल, ग्लव्स पहन लिए, तो ये वैक्सीन लग गई है। अभी हम बैठे हुए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे तक थोड़ा सा चेक करना होता ना। तो ये वैक्सीन लगवा के अभी हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, हम पहुंचते हैं घर। वैसे हल्की हल्की बेचैनी सी हो रही है, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा, बाकी पता चलेगा बुखार आएगा नहीं आएगा या क्या होगा, ठीक है, तो घर जाके बताएंगे। और जो दूसरी डोज है उसकी तारीख किसी कार्ड पर लिख के दे दी है, तो हमें अगली बार स्लॉट बुक नहीं करना, सिर्फ ये कार्ड लेके आना है, ऐसा ही ना इन्होंने हमें बताया, तो ऐसा ही होगा आई थिंक। मास्क ऐसे छप गया है पूरा यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी घर चलते हैं। मम्मी तुम्हें कुछ फील हो रहा है? अजीब सा हो रहा है ना, बस एक थोड़ी सी हल्की सी बेचैनी सी है, हल्की हल्की, कुछ खास ऐसे नहीं, तो मेरे को तो वो होनी बंद हो गई है, पर अभी मम्मी को हो रही है हल्की हल्की। मुझे तो मैंने अपना हाथ टाइट कर लिया था ना, तो मुझे थोड़ा अपना प्रिया ने, हाँ जब वैक्सीन लगवाओ तो अपना हाथ वगैरह थोड़ा ढीला रखो, बिल्कुल हल्का लूज रखो, जिससे कि वो पूरे में फैल जाए आराम से। अगर तुम टाइट रखोगे तो बाद में तुम्हें दर्द होगा, तो इसने टाइट रखा था क्योंकि इंजेक्शन से डर लगता है, तो उसने बोल दिया कि भैया तुम्हें बाद में दर्द होगा ज्यादा, क्योंकि तुमने अपना हाथ टाइट रखा है। चलो अभी घर चलते हैं, अभी हमें वैक्सीन लग गई है, अभी रूरू को वैक्सीन लगवानी है, तो रूरू को लेके आते हैं और उसको वैक्सीन लगवाते हैं। चलो तो भैया अभी आ चुके हैं घर और नहा धो के हो गए तैयार। तो जब हम वहाँ वैक्सीन लगवा रहे थे तो हमको उन्होंने दो टैबलेट्स दिए, पहली वाली एक ये है पैरासीटामोल, और एक दिया ये वाइट कलर की छोटी सी, इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसके बारे में अभी पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि इसमें कहीं नाम लिखा नहीं ढंग से, तो एक बार थोड़ा रिसर्च करके पता चल जाएगा। आई थिंक एंटीबायोटिक भी हो सकती है, बाकी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सो ये दो टैबलेट्स दिए हैं, तो जो लोग बोलते हैं कि उन्हें फीवर आता है, तो आई थिंक यार तुम पैरासीटामोल ले रहे हो तो तुम्हें फीवर आना तो नहीं चाहिए। सो बाकी बोलते ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, तो भैया थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कल तक पता चल जाएगा। वैसे अब बोलते हैं पहले दिन ही बुखार आ जाता है तो पता चल जाएगा, अभी तो मेरे को बॉडी में कुछ भी फर्क पता नहीं चल रहा, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। मेरे हाथ बात में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, इसी हाथ पर लगी थी, तो मेरे हाथ में भी कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो सब कुछ फिट एंड फाइन है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जो है जोरू को वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे, उसका जो टाइमिंग है वो 1 बजे का है, तो अभी तो लगभग 11:30 बज रहे हैं, तो 1 बजे चलेंगे, तो पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर ये टेबलेट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं है कि नहीं। ये क्या हो रहा है मम्मी? ये इसकी म्यूनिस है। म्यूनिस नहीं, म्यूनिस।
ये म्यूनिस है और ये मम्मी कंजूसी का एक और नायाब तरीका नायाब तरीका नहीं कोई बात नहीं, ये सारे इंडियंस का हक है, ये बेलन इसीलिए बनाया गया है। रोटी तो हम ऐसे टेम्पररी बनाते हैं, इससे परमानेंट काम तो इसका यही है, कॉलगेट से निकालना, म्यूनिस निकालना, नहीं म्यूनिस निकालना, म्यूनिस आफ्टर वैक्सीन। चले भाई, चले वैक्सीन लगवाने, चलो पापा। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे है ना, कोई भी नहीं है, खाली है। आज तो तुमने मम्मा को भी रुला दिया अपने साथ इंजेक्शन लगवा के, मम्मा भी रो रही थी फिर हाथ पकड़ के हैं। चलो अभी इसको थोड़ी देर बाद दूध पिलाएंगे, डॉक्टर ने बोला 15-20 मिनट बाद पिलाना, क्योंकि मेरे बच्चे। चलो 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 बस घर चल लें, घर चल लें, घर चल लें, घर जाके पिलाएंगे। तो अभी हम जो ऐसे लगभग आधे घंटे तक दूध नहीं पिला सकते, तो इसीलिए हम इसको गाड़ी में घुमा रहे हैं, क्योंकि इसको गाड़ी में घूमते घूमते ये चुप रहती है, गाने सुनते हुए गाड़ी में घूमते हुए सोती रहती है, क्योंकि अगर घर गए तो फिर ये रोएगी बहुत तेज तेज और फिर अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो इसने मुझसे गाने गवाए, अब गाड़ी में बच रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे थोड़ा शांति हो जाएगी, आधा घंटा जैसे हो जाएगा ना फिर हम इसे दूध पिला देंगे फिर घर चल देंगे, क्योंकि जब तक इसे घुमाते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो घर जाके तो बहुत ज्यादा रोएगी। आज तो बहुत रोई है, बहुत, क्योंकि एक तो भूख भी लग रही है, एक इंजेक्शन के दर्द, उससे भी इंजेक्शन के दर्द से तो इतना नहीं रोई नहीं है, उसे तो उठाते चुप हो जाती है, चुप हो गई थी, पर भूख की वजह से हुआ। हमें पता नहीं था कि तुम इंजेक्शन के बाद आधे घंटे तक दूध नहीं पिला सकते, तो ये गलती थी, और ये सो के और उठी थी, पर आगे से हम ध्यान रखेंगे इसका। हमें पता नहीं था, हमें भी डॉक्टर ने आज ही बताया। आई फील लिटिल बिट लेजी एंड स्लीपी, और वो कहीं ना कहीं वैक्सीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन मैंने ली है, सो उससे नींद सी आ रही है, थोड़ा ऐसा अजीब सा हो रहा है सोने का सब, पर अभी जब से ये रो रही है इसको घुमाने की और देखने के चक्कर में, अरे गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, जब से इसको मतलब घुमा रहा हूँ और कर रहा हूँ इसको देखने के चक्कर में, मुझे अब कुछ भी नहीं लग रहा, नहीं तो पहले जब मैं आया था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं थोड़ा सोतड़ू सा ऐसा अजीब सी हो रही थी बॉडी, पर अभी बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि अभी तो इसके ध्यान में ही वो ना, उसको दर्द हो रहा है तो अपना दर्द कहाँ ही दिखाई देगा। तो अभी मैं भोले की जाल, यहाँ कभी कभी हम आ जाते थे पहले भी, जब स्कूल टाइम पे जैसे कभी टाइम मिलता था नहाने वाने आ जाते थे, पीछे नहर है पूरी और मज़ा आता है यहाँ पूरा, मतलब चारों तरफ खेती खेते हैं, शहर से दूर, हमारे घर से यहाँ दूर नहीं है, हमारे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, तो हम दोस्त लोग कभी भी आते थे। आज बड़े दिनों बाद आया हूँ, लगभग हो गया होगा 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे, 1 साल हो गया होगा जब आया था, अच्छा लग रहा है यहाँ, मास्क की ज़रूरत नहीं, कोई बंदा नहीं, खेत हैं दूर दूर तक, कोई टेंशन नहीं, खुला मस्त। चलो अभी घर चलते हैं, रूरू का भी टाइम हो गया, उसे दूध दूध पिला देते हैं, अभी घर चलते हैं। ये जो है गंगा में से ही कट हुआ है, ये पानी जो है ना गंगा में से ही आता है, तो इसको गंग नहर भी बोलते हैं, और हम यहाँ पे भोले की जाल है, वहाँ पे बच्चे नहाते वहाते भी हैं, बहुत सही जगह है। एक उधर आश्रम भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है मेरे पुराने वाले चैनल पर पड़ी हुई है उस आश्रम की, वहाँ ड्रोन वगैरह उड़ाया, बहुत शांति रहती है। चलो चलते हैं। आज रूरू ने भी वैक्सीन लगवाई है, रूरू के पापा ने भी वैक्सीन लगवाई है, रूरू की दादी ने भी वैक्सीन लगवाई है, और रूरू की दोनों बुआ ने भी वैक्सीन लगवाई है, सब वैक्सीन लगवा के आए, आज सबको बुखार आएगा एक साथ, ये मजे में है। सब एक साथ इस तरह पढ़ेंगे? नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, पापा स्ट्रांग है, रूरू स्ट्रांग है, पापा और रूरू को तो नहीं आएगा, तुम लोगों को आएगा। नहीं मुझे भी लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने एडिटिंग करी तो मेरा ध्यान ऐसे होता है, मैं ऐसे अभी वैक्सीन लगवा गया हूं, मुझे कुछ नहीं, मस्त मजे में हूं बिल्कुल। ये पूरा ना ध्यान के ऊपर है, अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और भटका होगा, जितना तुम सोचोगे, जितना तुम सोचोगे कि वैक्सीन लगवाई कुछ होगा, उतना होगा कुछ नहीं हो रहा है। तो एक पैरासिटामोल खा लो, क्योंकि वो देते ही है, ठीक है, बाकी फिर अपना खाना खाओ मस्त, और मस्त अपना काम करो, कोई टेंशन नहीं। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है, और
अभी मुझे मेरी बॉडी में हल्का हल्का मुझको फीवर महसूस हो रहा है, ठीक है, सो इट्स वेरी नॉर्मल, सो ये तो सबको होना ही है, नॉर्मल सी बात है, पर ये है कि फीवर में बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, इससे थोड़ा मैं सोच रहा हूँ अभी वीडियो को एंड कर लेता हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि फिर रात में सोना ही, थोड़ा जल्दी सो जाएंगे और क्या होगा, क्योंकि एक नींद सी भी आ रही है, बेचैनी सी रहती है बॉडी में, जहाँ इंजेक्शन लगाया ना जिस वाले हाथ में उसमें अकड़न है, पूरी बॉडी में अकड़न है, और साथ में फीवर तो है ही हल्का सा, तो उसकी वजह से वो तो है ही। तो ये हमारा रूरू सो रहा है, ये बेचारी गर्म हो रही है क्योंकि इसको ये वैक्सीन लगी है, पर इसकी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी, इसके जो बच्चों की वैक्सीन लगती है वो लगी, इसकी टीकाकरण हुआ है सिंपल, पापा और बेबी दोनों को वैक्सीन लगी। हाँ तो देवेश को फीवर है तो इसलिए आज ये मुझे टॉर्चर कर रहा है और एंडिंग मैं करूंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और हाँ बाय बाय। ये मोबाइल पकड़ना नहीं चाहता ना इसलिए। हाँ यार, वो हाथ में ऐसे अकड़न सी हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये पकड़ लेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी अभी वीडियो एडिट कर लेते हैं ये वाली, और बस कल मिलते हैं, बाकी जो भी कुछ होगा, जो भी एक्सपीरियंस है कि उसके बाद क्या फील होता है, रात में क्या फील होगा, कल क्या होगा वैक्सीन लगने के बाद, वो सब चीज़ मैं आपको कल बता दूंगा, और हो सकता है मैं कल ये वाला वीडियो डालूं, या फिर हो सकता है मैं जो शादी वाली सीरीज है हम वो डालें, तो जो होगा आपको कल पता चलेगा। हाँ ठीक है, बुखार में कुछ उड़ा रहे हो तुम, बाय। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो बाय बाय, काम कर लेता हूँ, बाय।